हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्ड, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस टाइम एंड मोमेंट। आज हम आपका जो है प्रीपोजिशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप प्रीपोजिशन में प्लेस, टाइम एंड मोमेंट, ये तीनों की जगह लगाने वाले प्रीपोजिशन वर्ड हैं, जो उनकी प्रैक्टिस करेंगे वो सीखेंगे। अब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन को जो है, सबसे पहले आप कैसे समझेंगे कि प्रीपोजिशन जो है वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। ये होगी आपका प्रीपोजिशन। अब नाउन और प्रोनाउन आप जैसे कि जानते हैं, नाउन हमारे संज्ञा वर्ड होते हैं, किसी नेम, थिंग, पर्सन के नाम को जो हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम जो है प्रोनाउन कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं स्वरनाम सब। तो प्रीपोजिशन, अब करेक्ट आपको समझ आए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। वो वर्ड हमारा सेंटेंस को जो है करेक्ट करता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है, जो रिलेशन जो है उसका अन्य वाक्य से, सेंटेंस से जोड़ता है। तो द वर्ड प्रीपोजिशन कैन बी इजिली अंडरस्टूड प्री प्लस पोजिशन, यानी कि प्री इज ए प्रीफिक्स दैट मीन्स बिफोर। प्रीफिक्स क्या होते हैं? आपके उपसर्ग होते हैं, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग, उप यानी कि पहले आने वाले, दैट्स मीन जैसे कि लिखा हुआ प्रीफिक्स दैट मीन्स बिफोर, कि शब्द के पहले जुड़कर, वर्ड से जो है पहले जुड़कर उसका जो है अर्थ बदलते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो ऐसे ही प्रीपोजिशन जो है हमारा प्री प्लस पोजिशन है, कि जो है पहले जुड़कर, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर जो है वाक्य को हमारे को करेक्ट करते हैं, सेंटेंस को ठीक करते हैं। अब जो है यहाँ पर कुछ मेन मेजर प्रीपोजिशन वर्ड जो है आपको दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन वर्ड जो आपको कि याद करने होंगे, आफ्टर, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, बाय, बिटवीन, ड्यूरिंग, डाउन, अलोंग, क्रॉस, फ्रॉम, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, अंडर, ओवर, ऑफ, अप, टू, राउंड, थ्रो, नेक्स्ट, ऑपोजिट। ये वर्ड जो है आपके मेजर प्रीपोजिशंस वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करनी पड़ेंगी। अब प्रीपोजिशंस के क्या टाइप है? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट हमारा टाइप है प्लेस, यानी कि स्थान के लिए हम ऐसे कौन से वर्ड हैं जो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन में, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, नेक्स्ट, टू, ऑपोजिट। ये वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन वर्ड जो कहलाते हैं, ये जहाँ पर भी स्थान के बारे में हम बात करेंगे वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, इन वर्ड का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन का टाइप है टाइम, यानी कि टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम कौन कौन से वर्ड हैं प्रीपोजिशन वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? एट, आफ्टर, फोर, फ्रॉम, टू, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग। अब थर्ड है आपका प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट क्या होता है आपका, कि हलचल किसी भी चीज़ के लिए। तो मूवमेंट के लिए हम जिन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करेंगे वो वर्ड है क्रॉस, ऑफ, ओवर, अप, इनटू, टू, फ्रॉम, डाउन, राउंड, थ्रो, आउट ऑफ, अलोंग और पास्ट। ये वर्ड जो है हम मूवमेंट में यूज़ करेंगे। अब हम जो है प्रीपोजिशन प्लेस के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जांपल्स में आप देखेंगे, द कप इज़ ऑन द सोसर, यानी कि हमने ओन जो प्रीपोजिशन वर्ड है हमारा वो उसका क्या मीनिंग है, के ऊपर। तो जो है प्लेट के ऊपर जो है क्या रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, के ऊपर के लिए हमने किस प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया, ओन का यूज़ किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द कार इज़ अंडर द ब्रिज। अब अंडर जो है किसके लिए आएगा, नीचे के लिए, जब हम नीचे की बात कर रहे हैं। तो कार कहाँ पे है, जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं
कि कार कहाँ पे है, वो पुल के नीचे है। तो उसकी उसके स्थान को, स्थिति को बताने के लिए हमने अंडर वर्ड प्रीपोजिशन का यूज़ किया। अब थर्ड आपका एग्जांपल है कि ही वाज सिटिंग इन ए रूम, तो इन किसके लिए, में अंदर, इनके लिए किसका यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है जैसे आप जानते हैं। तो ही वाज सिटिंग इन ए रूम, वह जो है कहाँ बैठा हुआ है, कमरे में, कहाँ बैठा हुआ, कमरे के अंदर। तो किस स्थान के लिए हमने कमरे के स्थान को बताने के लिए किसका यूज़ किया, इन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है, द वर्ड इन कलर आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो जो जो इस कलर से ये वर्ड दिए गए हैं ये क्या हैं, ये प्रीपोजिशन वर्ड हैं, इन्हें ही हम प्रीपोजिशन वर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है टाइम। अब टाइम जो है प्रीपोजिशन वर्ड के, प्रीपोजिशन जो वर्ड है टाइम के लिए जो जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आफ्टर, फोर, फ्रॉम, जो कि हम अभी पीछे हमने रीड किए हैं। तो एग्जांपल है फर्स्ट, दिवाली कम्स आफ्टर दशहरा। आफ्टर किसके लिए आया, आफ्टर का मीन्स के बाद, किसके बाद आया, तो दिवाली जो है किसके बाद आती है, दशहरे के बाद आती है। तो उसके समय को दर्शाने के लिए हमने किसका, कौन से प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया, आफ्टर का। अब सेकंड एग्जांपल है स्कूल विल क्लोज फॉर द विंटर ब्रेक, तो फोर किसके लिए आया, के लिए, कि स्कूल जो है वो बंद रहेगा किसके लिए, विंटर ब्रेक यानी कि सर्दियों की छुट्टी के लिए। तो फोर का यूज़ हुआ के लिए, ये टाइम के लिए यूज़ किया हमने यहाँ पे फोर। आफ्टर का यूज़ किया फोर किया। अब थर्ड एग्जांपल, सी इज़ वर्किंग फ्रॉम 5 AM, कि वह जो है काम कर रहा है कितने बजे से, तो 5 बजे से, 5 AM से वो जो है काम कर रहा है। तो फ्रॉम जो है यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है और इसका यूज़ हमने टाइम के लिए किया। तो टाइम के लिए ये ऐसे जो है प्रीपोजिशन वर्ड का हम यूज़ करेंगे। तो ये जो वर्ड आपको कलर से दिखाए गए हैं, द वर्ड इन कलर आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के लिए, दे शो कि व्हेन थिंग्स हैपन, कि ये जो है कब हुआ, किस टाइम हुआ, ये समय को प्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है मूवमेंट, द बॉय इज वॉकिंग क्रॉस द रोड, क्रॉस किसके लिए आया, पार करना आगे को, तो लड़का जो है कैसे चल के जा रहा है रोड को, रोड पर, रोड को पार कर रहा है, चल कर, कैसे पार कर रहा है, चल कर, आगे की तरफ चल कर, तो क्रॉस आया। अब नेक्स्ट है द थीप जम्प्ड ओवर द वॉल, अब जो थीप जो है, चोर जो है वो कहाँ से जंप कर रहा है, कहाँ से कूद रहा है, वॉल के ऊपर से, दीवार के ऊपर से, तो ओवर का यूज़ हुआ यहाँ पर। अब जो है ही रन फ्रॉम द क्लासरूम टू द प्लेग्राउंड, वह जो है फ्रॉम किसके लिए आया, से के लिए, क्लासरूम से किसकी तरफ दौड़ा, प्लेग्राउंड की, खेल के मैदान की तरफ दौड़ा। तो फ्रॉम का यूज़ हमने से के लिए किया, ओवर का, क्रॉस का, टू का, दीज द वर्ड जो है इन कलर आर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के लिए जो है ये वर्ड यूज़ होंगे। दे कन्वे द आइडिया ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन्होंने जो है कौन से प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया, क्रॉस का, ओवर का, फ्रॉम का, टू का, ये प्रीपोजिशन वर्ड क्या कहलाए, मूवमेंट के। तो आपके चैप्टर में हमने क्या क्या, कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किए, कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ हमने सीखा, प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट का।